नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आपके लिए जय श्री राम। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग नक्षत्र जो आकर्षण बनाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए गुरु महाराज रोहिणी में जा रहे हैं, तो गुरु का रोहिणी में गोचर आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। जीवन में जो अवसर होते हैं ना, अगर आप उनका सदुपयोग कर लें तो आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अगर अवसरों पे आप चूक जाते हैं तो फिर आप जो कुछ बचता है वही प्राप्त करते हैं। यह एक श्रेष्ठ अवसर है आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। आप जो चाहें उसमें ये प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरह की चीजों को देने की क्षमता इस नक्षत्र में है, क्योंकि आप अध्यात्म के लिए पैदा हुए हो। अंत तो अध्यात्म ही है, मुक्ति ही है, मुक्ति का रास्ता ही है। तो गुरु महाराज रोहिणी में जा रहे हैं, आप अनुराधा में पैदा हुए हैं, तो अनुराधा से जो रोहिणी का संबंध बनेगा वो साधक का बनेगा। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने एक नौ तारा सिस्टम बना रखा है। नौ तारा में प्रत्येक नक्षत्र से उस नक्षत्र तक की स्थिति का आकलन करने के पश्चात ये बताया जाता है कि भाई यह नक्षत्र आपके जीवन में किस तरह की चीज़ों को लेके आएगा। आजकल YouTube पे एक और बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी सच बात नहीं चल रही है। आपके नक्षत्र से 27वां नक्षत्र अति मित्र होता है, सुना होगा आप लोगों ने, सच है। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं 27वें नक्षत्र की चीज़ों को अपने साथ रख लें अच्छा होगा। नहीं, प्रश्न यह है कि 27वां नक्षत्र क्या कहता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो 27वें नक्षत्र की चीजों को रख के परेशान हो गए, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई। इसलिए ये अधूरी चीजें हैं, पूर्ण नहीं है। 27 जो नक्षत्र होता है वो मित्र होता है। किस लिए मित्र होता है? मित्र इसलिए होता है कि आपको मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए 27वां नक्षत्र की चीजों को आप जब रखते हैं तो आपके लिए मुक्ति का मार्ग धीरे से प्रशस्त होना शुरू हो जाता है। जैसे आप अनुराधा में पैदा हुए, विशाखा की चीज़ों को आप धारण करिए, विशाखा की चीज़ों को धारण करिए, आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव आएगा, आपका मन वैराग्य की ओर भागेगा, क्योंकि 27 मुक्ति है, लास्ट है भाई, और लास्ट जीवन में क्या है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, यूट्यूब पे जो काम करने वाले लोग हैं एक चीज़ को पकड़ के काम करते हैं, और ज्योतिष सिर्फ अर्थार्जन का विषय नहीं है। तो रोहिणी आपके लिए साधक नक्षत्र है, साध लेने का नक्षत्र है, साधना का नक्षत्र है। आप अनुराधा से रोहिणी तक जाएंगे तो श्रेणी में आएंगे। अब आप देखें तो रोहिणी पे हम बात करते हैं। रोहिणी क्या है? रोहिणी 27 नक्षत्र में सबसे ज़्यादा आकर्षण का नक्षत्र है, अट्रैक्शन है, चुंबकीय शक्ति है। सभी ग्रह या सभी देवता चाहते हैं कि रोहिणी में जन्म लें, क्योंकि ग्लो होता है, सुंदरता होती है रोहिणी वालों के पास। या तो वे आप टॉकिंग बहुत गजब की होगी, या तो आपका व्यक्तित्व तो चुंबकीय होगा, या आपके काम करने की कला अनूठी होगी। तीन में एक या दो चीज़ होती होती है। यह वृद्धि का है, यह विकास का है, यह उच्चता प्राप्त कर लेने का है। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करना, आरोहण मतलब ऊपर उठना, आरोहण मतलब सवारी। अब सवारी प्राप्त कर रहे हैं तो चिरकुट आदमियों को सवारी कहाँ मिलती है भाई? ये तब की बात है जब रथ चला करते थे, तो रथ की सवारी का मतलब है कि आप बड़े हो रहे हैं। किसको मिलता था? राजा महाराजा, सेठ या सिद्ध पुरुष को राजा लोग बुलाते थे, जाओ गुरु जी को रथ में ले आओ। यह नक्षत्र लक्ष्मी सरीखा है,
लक्ष्मी शरीखा का मतलब आपकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अब आपकी इच्छाएं या धर्म की हैं तो धर्म के क्षेत्र में आप जाएंगे, अर्थार्जन करना है तो अर्थ जगत में भी आप जो है धीरे से आगे बढ़ेंगे, दोनों तरह से। यह नक्षत्र प्रकृति प्रेमी है, अपने वर्ग में लोकप्रिय है, आकर्षण का आप केंद्रबिंदु बनेंगे, सहजता होगी। यह नक्षत्र संतुलन का है, इसलिए संतुलित व्यवहार आप करेंगे। वास्तव में सुख का नक्षत्र है, थोड़ा रजोगुणी है तो रजोगुणी होने से थोड़ी सी विलासता तो आएगी, थोड़ा सा पैसा तो आएगा। जो काम कला के 64 गुण कहे गए हैं ना, उसमें से 32 गुण रोहिणी के पास है, इसीलिए चंद्रमा यहाँ आने के बाद मुक्त नहीं हो पाते, रम जाते हैं। मन कितना चंचल है, और मन भी जहाँ आके एकनिष्ठ हो जाए, रम जाए, वो रोहिणी है। तो रोहिणी नक्षत्र को आप देखेंगे तो 4 नंबर है। कौन सा नंबर है? 4। वैसे 4 राहु का भी नंबर है। टैरो कार्ड में आप देखेंगे तो 4 जब नंबर होता है ना, वो महारानी का होता है। महारानी मतलब उच्चता। इसके जो गोत्र हैं वो अत्रि हैं, ये मंत्र दृष्टा है। त्रिदोषों से जो मुक्त हो वही तो अत्रि है। आप अनुराधा में हैं तो आप संतुलन और समता के लिए हैं। आपके जीवन में जो प्रतीक है कमल है और दंड है, मतलब दंड की तरह आपको कठोर रहना है, दंड की तरह नियमावली में रहना, कमल की तरह खिलना है। लोग कीचड़ फेंकेंगे, कीचड़ फेंकने दो। गुण तत्व ये है, मैं बात गुण तत्व पे करता हूँ फिर अर्थ पे करता हूँ। अगर आप वीडियो से बोर हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। फालतू में बाद में कमेंट मत करिएगा। मैं जिस लगन के, जिस भाव के साथ आपको वीडियो देता हूँ, वो भाव अन्यत्र शायद ही आपको मिल पाए, क्योंकि ज्योतिष मेरे लिए साधना टाइप का है। तो गूढ़ तत्व क्या है? गूढ़ तत्व ये है कि अश्लेषा नक्षत्र जो आपके भाग्य के घर में चल रहा है, वो मूलाधार चक्र को भेदन करता है। मूलाधार जो आधार है आपका फर्स्ट, उस क्रिया को अनुराधा नक्षत्र ब्रह्मांड से लेके शास्त्रतार तक, मतलब अंतिम स्थिति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसको आप ऐसे समझें कि अश्लेषा नक्षत्र आपकी एनर्जी को प्रथम चक्र पे उठाएगा और अनुराधा उस एनर्जी को उठा के अंतिम चक्र तक ले जाएगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये गूढ़ अर्थ है। रोहिणी का मतलब है आरोहण करना, ऊपर उठना। रोहिणी का मतलब है एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर साथी, बेहतर गुरु, बेहतर मार्गदर्शक ऐसा मिल जाए जो आपको रास्ता बता दे, बेटा इस रास्ते पे जाओ, मंजिल आपके यहाँ पे मिलेगी। इसलिए श्रेष्ठ समय है। 12 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष बाद आएगा। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, आगे बढ़िए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ये उठने में मदद करेगा, नहीं ये तो मजाक की बात है। जीवन में मस्त रहिएगा। देखो हम ही आप हंस सकते हैं, गधा तो हंस नहीं सकता। आजकल तो गधे भी प्रसन्न हो रहे हैं भाई, ठीक है, गधे भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रसन्न होने दीजिए। सब प्रकृति सबको प्रसन्नता देने का काम करती है। अनुराधा का 27वां जो नक्षत्र है विशाखा है, जिसको अतिमित्र नक्षत्र कहते हैं। एकाग्रता सत्यनिष्ठा, विशाखा क्या है? राधा, राधा एक निष्ठा की प्रतीक है। और सत्यनिष्ठा समर्पण, उतना समर्पण जीवन में कभी कोई कर ही नहीं सकता। तुम मुक्त होना चाहते हो, वृंदावन छोड़ना चाहते हो, जाओ, लौट के आना चाहते हो आना, नहीं आना चाहते मत आना, कौन इतना समर्पण करेगा, ठीक है ना। ये दरअसल जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो दैवी शक्ति आपके पास आती है, एक ओरा आपका बनता है जिससे आप जो चाहो वो कर सकते हो। अनुराधा नक्षत्र वास्तव में गंगा शरीखा कहा गया है शास्त्रकार की, जो कि
आसमान की पवित्रता को धरती पे, आसमान की अमृत को धरती पे उतार के ला देता है, लेकिन जो सृजन करता है ना उसको लोग अपमान करते हैं, जो बेहतर करता है उसका अपमान करते हैं, जो राम मंदिर बनाता है वही वहाँ से हार जाता है। ये संसार का एक ऐसा नियम है जिसको आप काट नहीं सकते। पॉइंट एक दो को याद रखिएगा, रोहिणी के जो ऋषि हैं वो अत्रि हैं जो त्रिदोषों से मुक्त हैं, आपके अनुराधा के जो ऋषि हैं वो अंगिरा हैं जो अग्नि सरीखे तेजस्वी है, जला के खत्म कर देने ऊर्जावान है, शक्ति संपन्न है। यहाँ पे गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं रोहिणी में। बातें 10 मिनट की हो गई, अभी आते हैं गुरु पे। ज्योतिष में जब आप गूढ़ तत्वों की बात करें तो ऐसी बातें होती हैं, नॉर्मल तत्वों में एक लाइन में धन संपदा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन गूढ़ तत्वों में इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो गुरु महाराज का गोचर 13 जून को रोहिणी में हो रहा है, वीडियो दरअसल अब शुरू हो रहा है। तो 13 जून से रोहिणी में जो गोचर होगा वो आपको सांसारिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक जगत में उन्नति कारक होगा, सिर्फ संसार में ही नहीं। दरअसल रोहिणी अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, यह संसार का प्रतीक है, लेकिन जो रास्ता आपको ले जाता है संसार की ओर वही रास्ता तो अध्यात्म की ओर ले जाता है। दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है, बस एक टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ से टर्न हो जाते हैं। ये नक्षत्र उठाने का है और गुरु को मज़ा आता है उठाने में। गुरु कारक हैं धन के, गुरु कारक हैं मान के, गुरु कारक है सम्मान के। तो भौतिक जगत में आपको धन की स्थिति बेहतर बनेगी, मान सम्मान बनेगा, क्योंकि गुरु आपके प्रेम के कारक हैं। विवाह के घर में जा रहे हैं तो प्रेम विवाह की स्थिति बनेगी। आपका दाम्पत्य जीवन खराब था तो दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, सुनिश्चित रूप से बेहतर होगा। गुरु आरोहण के का सॉरी रोहिणी आरोहण का कारक है, गुरु जो है खुद चाहते हैं वाहन वाहन हो भाई, मज़ा नहीं आता बहुत पैदल चलने में, इसलिए आपको वाहन संबंधी सुख मिलेगा। गुरु चाहते हैं कि एक कुटिया हो, रोहिणी जो है जो प्रेम करना चाहता है, प्रेम खुले वातावरण में तो होगा नहीं, तो उसके लिए एक छोटा सा आवास, सुंदर सा आवास, सुंदर सा आवास आपको प्रदान करने की स्थिति में गुरु महाराज होंगे। आप छात्र हैं तो गुरु महाराज आपको एजुकेशन के क्षेत्र में उठाना शुरू करेंगे, आपका एकाग्रता कंसंट्रेशन थ्रू आउट अच्छी होगी। आप व्यापारी वर्ग हैं तो श्रेष्ठ समय है भाई, अब नहीं तो कब? वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र संघर्ष का है। मैं जब हमारे 40% लोग जो है जो हमसे कनेक्ट होते हैं अनुराधा पे कनेक्ट होते हैं, 30% तो मान लीजिए बड़ा कष्ट है जीवन में, संघर्ष है, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, अपने लोग नहीं समझते। यहाँ पे यह स्थिति बेहतर होगी। कुछ सांसारिक जगत में आप आगे बढ़ेंगे, साथ में आध्यात्मिक जगत में बढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ आपको गुरु मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए यह स्थिति भी आप मान के चलिए कि लगभग 20 करोड़ लोगों पे बनेगी, 20 करोड़ के आसपास तो अनुराधा नक्षत्र वाले हैं, ठीक। अब सभी 20 करोड़ लोग, अब देखिए वृश्चिक राशि के नरेंद्र मोदी जी हैं, वृश्चिक राशि के नीतीश कुमार हैं, परमानेंट राजयोग है भाई, वृश्चिक राशि में आप हैं, कुछ लोग हैंड टू माउथ हैं, ये आपके ग्रह गोचर बताते हैं। कल में मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था, राजयोग था, प्रबल राजयोग, लेकिन 45 साल तक ऐसे ग्रहों की दशा ही कुछ कर ही नहीं पाए, वैकेंसी निकल गई, अब आप कर लो राजयोग लेके। तो महादशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, कब कहाँ कैसे लाभ मिलेगा। तो आपके द्वितीयेश और पंचमेश गुरु महाराज व्यापार के घर में गोचर कर रहे हैं, तो जब द्वितीय का संबंध सप्तम भाव से बन जाए तो व्यापार में आपको गति मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जब पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से बन जाए तो प्रेम और प्रेम विवाह की स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बनेगी, कोई संदेह ही नहीं है ना बनने की, डेफिनेटली बनेगी। तो पंचम भाव क्या है? इष्ट का है, तो यहाँ पे आपको इष्ट की कृपा मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र अत्रि से संबंध रखता है जो कि मंत्र दृष्टा है, तो यहाँ पे आपका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
मंत्र जो जाप है ना, वो आपके जीवन के पाप साप ताप को खत्म कर देगा। कौन सा मंत्र आपको सूट करेगा, दरअसल यह आपकी कुंडली बताएगी। ज्योतिष अर्थार्जन के लिए नहीं है। अर्थ तो कोई भी काम करके लगा सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ठेलिया लगा सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, मीडिएटर का काम कर सकते हैं, लेकिन जो मुक्ति है ना वो हर तरह से नहीं मिलती। उसका एक ही मार्ग है और उसी मार्ग को बताने के लिए ज्योतिष बना हुआ है। तो ज्योतिष दरअसल आध्यात्म का केंद्र बिंदु है, आध्यात्म की बैकबोन है। तो यहाँ पे गुरु महाराज श्रेष्ठ फल देंगे मित्र। तो आपको सजग करना, आपको सतर्क करना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। हम सब मुक्ति के मार्ग पर ही बढ़ने के लिए बने हैं। संसार में रहते हुए तो सांसारिक परिस्थितियों को देखते हुए आप आगे बढ़ें। यहाँ पे बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप अधिक से अधिक करिएगा। प्रेम की प्राप्ति भी आपको होगी, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, व्यापार में गति मिलेगी, भूमि भवन वाहन संबंधी अगर आप सुख लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, अवसर मिलेगा। नहीं मिलेगा बताइएगा। जब से मैंने वृश्चिक राशि पर काम करना शुरू किया, बहुत लोगों को बताता हूँ, लोगों ने वाहन वगैरह खरीदे, मेरे पास फोटो भी भेजते हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूँ। तो यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। क्या करने से बेहतर होगा? गुरु का मतलब होता है बड़प्पन, गुरु का मतलब होता है ज्ञानी लोगों के पास, गुरु का मतलब गौशाला, गुरु का नहीं गौशाला नहीं, गुरु का मतलब मंदिर। और रोहिणी भगवान कृष्ण का, कृष्ण को प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी आरोहण का है, इसकी जो सवारी है बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी। बैल का मतलब सामर्थ्य का प्रतीक है, बैल का मतलब शांति का प्रतीक है, बैल का मतलब वो दृढ़ इच्छा शक्ति को शिव भी आपको अपना साथी बना लें, नंदी बना लें, आप सोच लीजिए। तो यहाँ पे आप इस नक्षत्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ में नाभि में लगाइए। भगवान कृष्ण का मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है, जाप करना शुरू करिए। गाय को गोग्रास खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, अवश्य खिलाइए। आप 42 दिन करके देखिए, नहीं मज़ा आएगा, पैसा वापस, पैसा कौन सा वापस, मैं आपसे पैसा तो ही ले रहा हूँ इसके लिए। तो श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपके लिए हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। राधे।